कोटेगांव से है, जहां पर जिला मुख्यालय से माकड़ी पहुंच मार्ग की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है। ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण यहां रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन जगह जगह से जर्जर हो रही सड़क के कारण वाहनों में टूट फूट हो रही है। सड़क के दोनों ओर रोड डिवाइडर नहीं है, जिससे अक्सर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लेकिन ना तो संबंधित विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। गांव से ब्लॉक मुख्यालय माकड़ी को जोड़ता है, हजारों गांवों के लोगों के आना जाना एक ही मार्ग से होता है। सड़क के दोनों ओर अभी इतने जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं जो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, पर ना विभाग वाले ना स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं। दुर्घटनाएं होती है, आम इंसान ही मर रहा है, किसी को उस सड़क से कोई तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खीरेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खीरेंद्र, जिला मुख्यालय से माकड़ी पहुंच मार्ग की हालत बेहद ही जर्जर है, आखिर क्यों इस रोड की मरम्मत नहीं कराई जा रही? हाँ देखिए, कोंडागांव जिला मुख्यालय से माकड़ी की दूरी 30 किलोमीटर है और इस मार्ग पर माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में आना जाना करते हैं जी, और इस मार्ग में पानी के कटाव के कारण इस मार्ग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और रोड के किनारे इतने कटे हैं, इतने गड्ढे हैं कि कभी भी भयानक दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग को मिट्टी पाटने के लिए हमने कई बार शासन से आवेदन दिया, लेकिन इस मार्ग को नहीं बनाया जा रहा है और नहीं बनने का कारण हो सकता है अभी बारिश के चलते, यदि सड़क बनना प्रारंभ होगा तो कहा नहीं जा सकता जी। सिंगल रोड है, रोड में डिवाइडर नहीं है, जर्जर हालत हो चुकी है सड़क की, सैकड़ों वाहनों का आना जाना रहता है, हादसों का डर बना रहता है, आखिर अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहे इस पर? जनप्रतिनिधियों का स्वस्थ रवैया बना हुआ है, निर्मल रवैया बना हुआ है, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारियों का कहना यह है कि अभी बारिश चल रही है, इसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एचएस सलाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलाम साहब, स्वागत है आपका सुराड एक्सप्रेस पर। हेलो जी सर, कोंडागांव से जी, कोंडागांव जिला मुख्यालय से जो सड़क गुजरती है माकड़ी पहुंच मार्ग की हालत काफी जर्जर हो गई है, डिवाइडर नहीं है, सैकड़ों की संख्या में वाहन यहां से गुजरते हैं, बावजूद उसके शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, आखिर क्यों इस रोड का मरम्मत कार्य नहीं कराया जा रहा? नहीं, आज मेरे पास पहली बार नॉलेज में आई है रोड की स्थिति के बारे में जी, अब तो मैं उसको दिखलाता हूँ है ना, और कोशिश करूंगा कि उसको रिपेयर कराऊं जल्दी जल्दी है ना, जो भी उसके आवश्यकता हो। लेकिन कई लोगों का कहना है कि शिकायत बड़े अधिकारियों से कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के पूरे संज्ञान में मामला है, सैकड़ों लोग कर इस तरह से सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं। अभी ट्रांसफर होकर नया आया हूँ जी है ना, तो अभी पूरी वो मतलब निरीक्षण भी नहीं हो पाई मेरी जो डिवीजन की है। चलिए, उम्मीद जताते हैं कि इस पूरे मामले को आप संज्ञान में लेंगे और इसका मरम्मत कार्य जल्द शुरू होगा। शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर सुबनी मालवा।